ड्रैगन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर कहता है, लेकिन चीन का ये गुरूर बहुत जल्द पानी पानी होने वाला है। ड्रैगन के जल दैत्य जल में ही डुबो दिए जाएंगे, क्योंकि ब्लू जोन में इंडिया का शौर्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू होने जा रहा है। भारतीय नौसेना के हर वॉरशिप को नया एआई कमांडर मिलेगा, वो कमांडर जो सटीक कैलकुलेशन करके बताएगा दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना है, ड्रैगन के जल दैत्यों पर कैसे वार करना है और कब कौन से हथियार से प्रहार करना है। ब्लू जोन में इंडिया का शौर्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रसक्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इंडियन नेवी का एआई अपग्रेड, समंदर में जंग का नया फेज। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हम उससे परहेज नहीं कर सकते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर रहे हैं, हमने इसको बल देना चाहिए। दुश्मन को मारेगा कंप्यूटर, इंडियन नेवी का एआई वर्जन। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। चीन पाक रेस से बाहर, भारत समंदर का नया सिकंदर। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। एआई कमांडर, सबमरीन टॉरपीडो फाइटर। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, शत प्रतिशत सही कहा। भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, और अब भारत की नौसेना ने ठान लिया है दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बनने का लक्ष्य। वो नौसेना जो 7 समंदरों में चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगा देगी, वो नौसेना जो न सिर्फ विराट भारत वर्ष के विशाल समुद्र तटों की रक्षा करेगी, बल्कि ड्रैगन जैसे वैश्विक दुश्मनों को भी समंदर में डुबो देगी। हिंदुस्तान की जल सेना बदल रही है, इंडियन नेवी में एआई का पदार्पण हो चुका है।
जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। हमारी नौसेना हमेशा गौरवपूर्ण कार्य करती रही है। नौसेना के उदय में, नौसेना की कल्पना में सबसे प्रथम अगर किसी का योगदान था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। यह भारतवर्ष की नौसेना है जिसकी पताका में छत्रपति शिवाजी की मोहर है। शंग नो वरुणा का संकल्प है, शानदार इतिहास है और सबसे नई सबसे आधुनिक तकनीक की साझेदारी से बना उज्जवल भविष्य है। भारतीय नौसेना को और ताकतवर और आधुनिक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नौसेना को AI से लैस किया जाएगा। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। इंडियन नेवी में AI का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? भारतीय जल सेना में AI के इस्तेमाल से क्या होगा? कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इंडियन नेवी और ताकतवर होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहां होगा? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संकल्प सुनिए जो उन्होंने INS विक्रांत के डेक पर खड़े होकर आत्मनिर्भर और आधुनिक डिफेंस इकोसिस्टम बनाने के लिए लिया था। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। चुनौतियों के लिए, नए युद्धों के लिए, नए संकल्पों के लिए भारतीय नौसेना ने नया डिफेंस इकोसिस्टम विकसित कर लिया है। वो डिफेंस इकोसिस्टम जो ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर है, ज्यादा से ज्यादा आधुनिक है और अब ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लेस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी 1 और 1/11 की ताकत, दुश्मन के हमले का जवाब कैसे देना है, किस खास परिस्थिति में कौन सा हथियार दुश्मन दल पर सबसे घातक साबित होगा, कब सुई का इस्तेमाल करना है, कब तलवार का, कब रॉकेट दागना है, कब मिसाइल दागनी है, कब टॉरपीडो से दुश्मन की सबमरीन और जहाजों की जल समाधि बनानी है, इन सवालों का जवाब अब कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलेगा। आंकड़ों की जबरदस्त गणना के बाद मिला उत्तर एकदम सटीक। भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हो रही भारतीय नौसेना मेगा प्लान पर काम कर रही है। फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी के लिए भारतीय नौसेना साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर रही है। इस मेगा प्लान के मुताबिक भारतीय नौसेना के हर युद्धपोत को आधुनिक AI सिस्टम के साथ अपडेट किया जाएगा। कब कौन सा हथियार चलाना है, इसका जवाब अब AI से मिलेगा। नेवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हर डायमेंशन में किया जाएगा। भारतीय नौसेना का AI अवतार देखने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा, ये बहुत जल्दी होने वाला है, सिर्फ 4 महीनों बाद। इसी नवंबर में मुंबई से गोवा के बीच भारतीय नौसेना की पहली ऑटोनोमस बोट का परीक्षण होने वाला है। इसमें स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस नावों का इस्तेमाल होगा। यह ऑटोनोमस बोट वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी VC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने विकसित किया है। इन ऑटोनोमस बोट में AI बताएगा कि 100% सटीक नतीजों के लिए किस परिस्थिति में किस टारगेट पर कौन से हथियार का सटीक इस्तेमाल किया जा सकता है।
नवंबर में मुंबई से गोवा के बीच भारतीय नौसेना का पहला ऑटोनॉमस बोट का परीक्षण होने वाला है। ये एक 15 मीटर लंबी बोट है और नौसेना की योजना है कि आने वाले 10 सालों में अलग अलग साइज और टाइप के ऑटोनॉमस एरियल सरफेस और अंडरवाटर प्लेटफॉर्म को एआई से लैस कर दिया जाएगा। अब भारतीय नौसेना का एआई युग शुरू हो रहा है। भारतीय नौसेना जल्द ही स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस की ट्रेनिंग शुरू करेगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी युद्ध पोत का नर्व सेंटर बनेगा। इसमें रडार सोनार समेत सभी सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। 2024 से 2029 के बीच कमीशन होने वाले सभी युद्ध पोतों में वीसी का बनाया नया सीएमएस होगा। अब ये समझिए कि भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों में एआई बेस्ड नया स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने से क्या होगा। इनबिल्ट एआई एल्गोरिदम के जरिए सीएमएस एक साथ 24 से 29 खतरे तेजी से भांप सकता है। इसके बाद ये एआई बेस्ड नया स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सीएमएस युद्ध पोत को सुझाता है कि कौन सा हथियार चलाना चाहिए। जो डेटा उसके अंदर फीड की गई है उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कम समय में ये हमें बता देगा कि ये 5 जो है वो आपके एडवर्सरी हैं, ये 10 जो है वो आपके एडवर्सरी नहीं है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के भरोसे भारतीय नौसेना की नजरें भविष्य पर है। ऑटोनोमस अनमैंड वेसल्स से लेकर नई जनरेशन के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो रहे हैं। इंडियन नेवी ने साइबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स और दूसरी मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बदलते वक्त के साथ ये बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि मुकाबला चीन जैसे दुश्मन के साथ है, इसलिए इस बदलाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। अमेरिका और चीन जैसे दुश्मन अनमैन्ड नावों पर काफी समय से प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समय तक सतह और पानी के बीच रहने की क्षमता वाली एआई बेस्ड ये नावें काफी सस्ती पड़ती हैं। नौसेना का तेजी से आधुनिकीकरण और ज्यादा से ज्यादा एआई का इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि विस्तारवादी मुल्क चीन ने एआई बेस्ड बहुत बड़ा वॉर प्लान तैयार किया है। हालांकि चीन की सेना में एआई का इस्तेमाल उनकी मजबूरी है क्योंकि चीन की सेना को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और इसीलिए ड्रैगन के जनरल युद्ध की रणनीति से लेकर युद्ध लड़ने तक के लिए सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैंड हथियारों का इस्तेमाल करने के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रैगन इस साल 10 से ज्यादा बार बड़ी वॉर ड्रिल कर चुका है। युद्ध के अभ्यास में भी चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ले रहा है। एक तरफ चीन ताबड़तोड़ वॉर ड्रिल कर रहा है तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी में उसने अमेरिका से सीधी टक्कर भी शुरू कर दी है। चीन अपनी हाईटेक सेना के दम पर सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है। ताकत का शोर मचाने के लिए रेड आर्मी ताइवान स्ट्रेट में बार बार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये वॉर ड्रिल बता रही है कि अब ड्रैगन किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन जिनपिंग को अभी युद्ध में जीत का पक्का भरोसा नहीं है। जिनपिंग जानते हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए उन्हें जंग ताइवान से नहीं करनी, इसके लिए उन्हें ताइवान के साथ साथ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया से भी लड़ना होगा। कई वॉर रिपोर्ट्स ने चेतावनी दे दी है कि इस युद्ध में चीनी सेना का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए अब चीनी सेना सुपर कंप्यूटर्स की मदद से रिसर्च कर रही है। चीनी सेना एआई, क्लाउड कंप्यूटरिंग और सुपर कंप्यूटर के सहारे डाटा एनालिसिस करके वॉर स्ट्रेटेजी बना रही है। रेड आर्मी के जनरलों ने अपनी बुद्धि पर भरोसा करने से ज्यादा कंप्यूटर की आर्टिफिशियल बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। रेड आर्मी को यह सलाह शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान स्टडीज ने दी है।